हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गोवा शिपयार्ड कंपनी की तरफ से दी गई एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये एम्बुलेंस हल्द्वानी उप कारागार में बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए काम करेगी। हल्द्वानी उप कारागार में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इससे जेल के कैदियों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि बंदियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एम्स सहित अन्य अस्पतालों के लिए जाना पड़ता था, जिसमें काफी खर्च होता था। लिहाजा CSR फंड से 20 लाख की लागत से ये एम्बुलेंस दी गई है, जो कि हल्द्वानी जेल प्रशासन और बंदियों के काम आएगी। इसमें आपके ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं और आपके मल्टी ऑर्गन मॉनिटर से लगे हुए हैं और ECG लगा हुआ है। सारी चीज़ें जो प्राथमिक जांचें होती हैं वो इसी में हो जाएंगी और गंभीर रोगियों को ये अब अपनी एम्बुलेंस ले जाएगी, खर्चा भी बचेगा। ये हमारे जेल डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी मांग थी कि अगर हम 4 भी लोगों को ले जाते हैं बाहर कहीं महीने में, तो 1 का 30,000 पड़ा आना जाना, तो 4 का 1,20,000। तो इसलिए इस हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि किफ़ायती रहेगी, इस नाते से मैंने इसको प्राथमिकता से यहाँ दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहाँ है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।